रंगई स्थित हनुमान मंदिर पर साल के पहले दिन उमड़े श्रद्धालु। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त समल योजना के प्रभारी सुल्तान सिंह शेखावत ने भी किए सिद्ध हनुमान मंदिर के दर्शन। सनातनी परंपरा के अनुसार नया साल नव संवत्सर हो या अंग्रेजी कैलेंडर का, नए साल के पहले दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन से की जाती है। उसी के तहत शहर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर रंगई में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान मध्य प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह शेखावत ने भी यहां आकर दर्शन किए। उन्होंने कामना की कि 2023 में कोरोना दोबारा ना आए, साथ ही मध्य प्रदेश में शिवराज के नेतृत्व में फिर सरकार बनने की भी प्रार्थना उन्होंने की। सभी भक्त लोग आ रहे हैं भगवान हनुमान जी महाराज के दर्शन करने, सबकी जो है हनुमान जी उनकी मनोकामना पूर्ण करे और उनको जो है नया साल बढ़िया आनंद से गुजरे। कब से कब तक खुला रहेगा ये मंदिर? आज 1-1.5 बजे तक खुला रहेगा, इसके बाद 2 घंटा के लिए बंद किया जाएगा, फिर 3 बजे से फिर खोल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश असंगठित शहरी ग्रामीण कर्मकार मंडल का चेयरमैन हूँ संबल योजना का। सर आज नंबर्स के अवसर पर शहरी आवाम को किस तरीके की शुभकामनाएं देंगे आप? मैं बालाजी महाराज के चरणों में शीश झुकाने के लिए आया हूँ और बालाजी महाराज से प्रार्थना की है कि ये वर्ष 2023 इस मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए मंगलकारी हो। आज नया साल है, क्या संदेश देंगे आप? देखिए आज हम जहाँ खड़े हुए हैं ये रंगई धाम है और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मनोकामना पूर्ण सिद्ध श्री हनुमान जी यहाँ विराजित हैं, साक्षात विराजित हैं। आपकी जो भी मनोकामना होती है वो यहाँ पूर्ण होती है। आप यहाँ पे नरियल कहते हैं कि जो बाबा के चरणों में नरियल रख देता है, दिल से कामना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है।